नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ खुशबू साहू। बस्तर में गोंचा पर्व, श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और दाऊ बलराम के रथ यात्रा का पर्व है। इस पर्व को प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक अर्थात पूरे 10 दिनों तक बस्तर वासियों के द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसी लोक मान्यता है कि जब देवी सुभद्रा श्री कृष्ण से द्वारिका भ्रमण की इच्छा जाहिर करती है, तब श्री कृष्ण बलराम अलग अलग रथ में बैठकर उन्हें द्वारिका का भ्रमण करवाते हैं और इन्हीं की स्मृति में प्रति वर्ष उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है और इसी के तर्ज पर बस्तर में भी रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसे गोंचा पर्व के नाम से जाना जाता है। चूंकि उड़ीसा के राजा इंद्रदुम्न ने पहली बार पुरी में रथ यात्रा का आयोजन किया था और इस पर्व का नाम उन्होंने अपनी पत्नी गुंडीचा के नाम पर रखा था, इसीलिए उड़ीसा में इसे गुंडीचा पर्व और कालांतर में बस्तर में इसे गोंचा पर्व के नाम से जाना गया। इस पर्व की शुरुआत बस्तर में 610 वर्ष पहले काकतीय वंश के शासक पुरुषोत्तम देव ने की थी। जब पुरुषोत्तम देव जगन्नाथपुरी की यात्रा से लौटे थे, तब उन्होंने यहाँ पर गोंचा पर्व का प्रारंभ किया था। पुरी में उन्हें रथपति की उपाधि देकर 16 पहिए वाला रथ भेंट स्वरूप अर्पित किया गया था। राजा पुरुषोत्तम देव पुरी से श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलराम जी के विग्रहों को बस्तर लेकर आए थे। उन्होंने यहाँ जगदलपुर में इन विग्रहों को स्थापित किया और 16 पहियों में से 4 पहिए वाले रथ को श्री जगन्नाथ जी को और बाकी बचे 12 पहिए वाले रथ को दशहरा पर्व के अवसर पर अपनी कुल देवी दंतेश्वरी को अर्पित किया और इस प्रकार से प्रारंभ हुआ बस्तर में गोंचा पर्व। राजा पुरुषोत्तम देव के साथ पुरी से 360 आरण्यक ब्राह्मण भी आए थे। ये 360 आरण्यक ब्राह्मणों को राजा पुरुषोत्तम देव ने बस्तर के विभिन्न ग्रामों में आश्रय दिया, इन्हें जीवन यापन के लिए कृषि योग्य भूमि दी और इन्हीं ब्राह्मण परिवारों के नेतृत्व में प्रति वर्ष श्री जगन्नाथ की उपासना का पर्व गोंचा पर्व मनाया जाता है। गोंचा पर्व की शुरुआत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को चंदन यात्रा के रस्म से होती है। इस दिन 360 आरण्य ब्राह्मण परिवार और अन्य समाज के लोगों के द्वारा इंद्रावती नदी से पवित्र जल लाकर जगन्नाथ मंदिर में श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलराम जी के विग्रहों को स्नान कराया जाता है और उन्हें चंदन लगाया जाता है। इसी के साथ ही शालिग्राम की प्रतिमा को मंदिर में लाकर उनकी भी विधि विधान से पूजा की जाती है। ऐसी लोक मान्यता है कि चंदन यात्रा के पश्चात श्री जगन्नाथ अस्वस्थ हो जाते हैं और लगातार 15 दिनों तक आषाढ़ कृष्ण प्रथमा से लेकर आषाढ़ अमावस्या तक श्री जगन्नाथ के दर्शन नहीं हो पाते। इस काल अवधि को अंसर काल कहा जाता है और उसके बाद आषाढ़ शुक्ल प्रथमा को श्री जगन्नाथ स्वस्थ होकर अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं और इस विधान को नेत्रोत्सव कहा जाता है। अब शुरुआत होती है बस्तर में रथ यात्रा की। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथ मंदिर में स्थापित श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलराम जी के विग्रहों के 7 जोड़े और 1 श्री जगन्नाथ की प्रतिमा, मतलब पूरे 22 प्रतिमा को 4 पहिए वाले 3 रथों में आरूढ़ किया जाता है और उसके बाद रथ यात्रा प्रारंभ की जाती है। ये रथ फूलों और कपड़ों से सुसज्जित होता है। इस रथ का निर्माण प्रति वर्ष ट्यूस और साल की लकड़ी से बेड़ा उमर गांव के निवासियों के द्वारा किया जाता है, जिसकी चौड़ाई लगभग 14 फीट और लंबाई लगभग 20 फीट की होती है। इस रथ के निर्माण का कार्य 7 दिनों में पूरा हो जाता है। फिर इस 4 पहिए वाले 3 रथों को गोल बाजार से परिक्रमा कराते हुए सिरहासार भवन में लाया जाता है। सिरहासार भवन में इन विग्रहों को 9 दिनों तक अस्थायी रूप से स्थापित किया जाता है और इनकी पूजा अर्चना में भजन कीर्तन, सत्यनारायण की कथा
और रामायण पाठ आदि का आयोजन किया जाता है। इस पर्व में श्री जगन्नाथ की पूजा में उन्हें अंकुरित मूंग के दाने और पके हुए कटहल को अर्पित किया जाता है और प्रसाद के रूप में अंकुरित मूंग के दाने के साथ गुड़ मिलाकर दिया जाता है, जिसे गजा मूंग कहते हैं। फिर आषाढ़ शुक्ल पंचमी को हेरा पंचमी का रस्म किया जाता है। ऐसी लोक मान्यता है कि श्री जगन्नाथ देवी लक्ष्मी को बिना बताए हुए ही भ्रमण के लिए निकल गए थे। 4 दिनों तक श्री जगन्नाथ के नहीं लौटने पर देवी लक्ष्मी उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचती है। अर्थात इस रस्म में आरण्यक ब्राह्मणों के द्वारा देवी लक्ष्मी की डोली को यहाँ लाया जाता है और उनके द्वारा श्री जगन्नाथ को ढूंढने का उपक्रम किया जाता है। उसके बाद लक्ष्मी नारायण संवाद को गीत के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। अंततः देवी लक्ष्मी गुस्से से वापस लौट जाती है। फिर आषाढ़ शुक्ल षष्ठी को छप्पन भोग का आयोजन किया जाता है। सप्तमी को उपनयन का रस्म किया जाता है और उसके बाद आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापस श्री जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम के विग्रहों को रथ में आरूढ़ करके रथ की परिक्रमा कराते हुए उन्हें जगन्नाथ मंदिर में लाया जाता है। इस विधान को बहुड़ा गोंचा या बाहड़ा गोंचा कहा जाता है। जगदलपुर में श्री जगन्नाथ के स्वागत में और उनके सम्मान में तुपकी चलाने की परंपरा है। तुपकी वास्तव में बंदूक का प्रतीक होता है। बस्तर में बंदूक को तुपक कहा जाता है और तुपक से ही तुपकी शब्द बना है। बंदूक रूपी तुपकी को बांस से बनाया जाता है और उसमें गोली के रूप में जंगली लता के फल पेंगू का इस्तेमाल किया जाता है। पूरे भारत में बस्तर के अतिरिक्त तुपकी चलाने की परंपरा कहीं भी नहीं है, इसीलिए इस पर्व का मुख्य आकर्षण है तुपकी चलाना। फिर उसके बाद श्री मंदिर के द्वार में अर्थात जगन्नाथ मंदिर के द्वार पर कपाड़ फेड़ा का रस्म किया जाता है। रूठी हुई लक्ष्मी श्री जगन्नाथ को मंदिर में प्रवेश करने नहीं देती है और प्रवेश द्वार को बंद कर देती है। उसके बाद श्री जगन्नाथ जी के द्वारा देवी लक्ष्मी को मनाया जाता है और अंततः देवी लक्ष्मी दरवाजे को खोलती है और फिर उसके बाद श्री जगन्नाथ के विग्रहों को मंदिर में स्थापित किया जाता है। फिर उसके बाद आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन देव शयनी का रस्म किया जाता है। इस दौरान श्री जगन्नाथ शयन कक्ष में चले जाते हैं और लगातार 4 महीने तक जागृत नहीं होते। इस दौरान किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता और उसके बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन, जिस दिन छत्तीसगढ़ अंचल में देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है, उस दिन डायरेक्ट श्री जगन्नाथ शयन कक्ष से बाहर निकलते हैं और उसके बाद अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं और फिर सभी प्रकार के शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बस्तर अंचल में बस्तरवासियों के द्वारा गोंचा पर्व को हर जाति समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति को और भी गहराइयों से जानने के लिए, इसकी विविधताओं को समझने के लिए आप हर शनिवार रात 8 बजे हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।